तो तीनों कृषि कानून के विरोध में चक्का जाम की क्या तैयारियां पटना से नजर आ रही है। मैं पटना के नेशनल हाईवे 31 के पास मौजूद हूं और एक तस्वीर आपको दिखा दूं जहां पर जाप पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर बैठ चुके हैं और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं लगातार पीएम मोदी मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे और इसके साथ साथ जो पोस्टर्स यहाँ पर हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये सभी जाप के कार्यकर्ता हैं, हालांकि खुद पप्पू यादव नहीं है यहाँ पर, वो पटना में मौजूद नहीं है। इसमें आरजेडी के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं, मैं जो किसान है उनको नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन एक सांकेतिक तौर पर ये जो समर्थन किसानों को दिया जा रहा है, उन किसानों को जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, उनके समर्थन में ये प्रदर्शन की तस्वीरें और इस प्रदर्शन से कितना लंबा जाम लगा है ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तमाम गाड़ियां आपको नजर आ रही होगी, कुछ ट्रक्स हैं, बसें हैं। दरअसल ये जो रास्ता है नेशनल हाईवे की जो तस्वीर है, ये यूपी से ये रास्ता जो है वो निकलती है और पटना होते हुए आगे पूर्णिया की तरफ ये सड़क जाती है, किशनगंज की तरफ, और उसके आगे बंगाल तक ये सड़क जाती है। और यहाँ चूंकि नेशनल हाईवे है लिहाजा तमाम गाड़ियाँ जो है वो चल रही है और पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि चक्का जाम को लेकर के पटना में भी प्रदर्शन किया जाएगा और सभी नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज को जाम 3 घंटे के लिए किया जाएगा। तो वैसी प्रदर्शन की तस्वीरें यहाँ पर, लेकिन अब पुलिस के इंतजाम में नहीं देख पा रही हूँ अभी तक, कोई तोड़फोड़ या इस तरीके कोई उत्पात की तस्वीर नहीं है, लेकिन चक्का जाम की तस्वीर पटना से कुछ ऐसी ही फिलहाल नजर आ रही है। अपने सहयोगी शैलेश के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।